जान निसार ड्रामे की एपिसोड 7 में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फराज किस तरह से दुआ की मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस बात से अनजान के जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है, दुआ कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन है। दुआ को ये कहने की कोशिश करता है फराज कि मेरे घर वाले मुझ पर मेरी शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम आकर मेरी अम्मी से मिलो, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि उसकी शादी हो रही है और कल उसकी बारात है। दुआ कहती है फराज से कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती क्योंकि मेरी बहन की शादी हो रही है और कल मेरी बहन की बारात है, लेकिन फराज इस बात से भी अंदाजा नहीं लगा रहा कि बारात तो उसकी भी है कल और उसकी बहन की भी। इसके बावजूद वो दुआ से कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी माँ से उसे मिलवा सके ताकि वो शादी की बात आगे बढ़ा सके। लेकिन दुआ को यह हरगिज़ नहीं बताता कि मेहंदी की रस्म चल रही है और कल उसकी बारात है। दुआ उसकी बातों में आकर कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। दुआ इस बात को नहीं जानती कि फराज शादी तो उसकी बहन के साथ कर रहा है लेकिन उसकी जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश भी कर रहा है। दूसरी तरफ नौशरवान, जो कि दुआ की एक झलक देखने के लिए बेचैन और बेकरार है, वो कहता है जाफर से कि मैं ये सोचता हूँ कि तुम और तुम्हारी वफ़ादारी मेरे लिए मेरी किसी नेकी का सिला है, इसलिए तो तुम मुझे मिले हो और तुम जैसा वफ़ादार इंसान मुझे मिला है। दुआ कहीं होती है अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पर उसको एक जोड़ा पसंद आ जाता है लेकिन उसकी कीमत होती है 80,000, जिसकी वजह से वो उसे ले नहीं पाती। लेकिन वहीं पर नौशरवान ये देख कर दंग रह जाता है कि उसे यह जोड़ा पसंद है लेकिन वो ले नहीं पा रही। किसी न किसी तरीके से उसे वो जोड़ा दिलवा देता है लेकिन अपना नाम नहीं आने देता। जाफिर से कहता है नौशरवान कि वो दुआ को देखना चाहता है। कहता है जाफर कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपका काम कर दूंगा। नौशरवान ये बात जानकर हैरान हो जाता है और कहता है कि जाफर से कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे मर्ज की दवा किस तरह से निकालते हो। वहीं पर दुआ बाहर आ जाती है और उसको देखकर नौशरवान के दिल को सुकून मिल जाता है। नौशरवान का वफादार जाफर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि नौशरवान दुआ को इस हद तक पसंद करने लगा है कि वो उसमें अपना सुकून तलाश करने लगा है। वहीं पर दूसरी तरफ दुआ पागलों की तरह जाती है फराज से मिलने के लिए, ये सोचकर कि शायद फराज उसे उसकी माँ से मिलवाना चाहता है। लेकर जाता है फराज उसे कमरे में और वहाँ ले जाकर कमरा बंद करने की कोशिश करता है। दुआ ये देखकर परेशान हो जाती है और फराज से कहती है कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। फराज कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी अम्मी आए तो वो दरवाज़ा खोलकर तुम्हें देखें तो तुम्हें देखकर एकदम खुश हो जाएं। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ और ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दुआ आ जाती है फराज की बातों में और उसकी बातों में आकर वो बैठकर फराज का इंतजार करने लगती है, लेकिन फराज जिसने बिछाया जाल दुआ को फंसाने का, वो उसे ड्रिंक में नशीली दवाई देकर बेहोश कर देता है। फिर उसके साथ वो सब कुछ कर देता है जिसका दुआ ने कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या होगा आगे, जब दुआ को मालूम होगा कि उसकी अपनी बहन फिजा की शादी किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी फराज के साथ होने जा रही है जिस फराज को वो अपना दिल दे बैठी थी और जिस फराज ने उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। क्या करेगा नौशरवान फराज के साथ, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल जान निसार।